और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनका स्टीम का पूरा ये यहाँ पर बर्तन मौजूद है। यहाँ पर कितने इसमें पोर्शन है जिसमें आप स्टीम कर लेते हैं? अच्छा, दो पोर्शन में यहाँ पर स्टीम होता है। तो खोल के दिखाएं इसको। वाह जबरदस्त, ये इसमें तैयार हो रहे हैं यहाँ के जबरदस्त मोमोज। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कराची का मौसम बहुत ही लाजवाब है और लाजवाब मौसम में आपके लिए करा एक बहुत ही लाजवाब और चटपटे और मसालेदार से एक बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है जिसका नाम है मोमोज। काफ़ी डिफरेंट और यूनिक से ये होते हैं। मैं तो इससे पहले ट्राई नहीं करे, मुझे नहीं लगता कि आपने भी शायद करे हो या नहीं करे हो। जिन्होंने करे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मिल रहे हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर। तो चले आपको बताता हूँ यहाँ पर ये मोमोज किस तरह तैयार किए जाते हैं, इनकी प्राइस क्या है, इसका जायका क्या होने वाला है, साथ में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इनके बैक साइड पे जहाँ पे मोमोज तैयार करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे भाई है, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? शिराज हुसैन। शिराज हुसैन, अच्छा ये सबसे पहले इसमें क्या करते हैं मोमोज तैयार करने में? हमारे पास ये पट्टी तैयार होती है, इसको बिछाते हैं, फिर इस पे पानी लगा देते हैं, उसके बाद हमारे पास स्टीम की मटेरियल तैयार है, इसको भरते हैं, फिर हम इसको स्टीम करने के लिए रखते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक गोल टाइप के, इन्होंने पहले से ऑलरेडी ये पट्टी काटी हुई है मोमोज के लिए, तो इसके अंदर ये फिलिंग करेंगे जो इन्होंने पहले से चिकन तैयार करी है उसकी। अब सबसे पहले हमने क्या लगाया इस पर? अच्छा, पानी लगाया ताकि अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सके इसकी। आप क्या कर रहे हैं? आप चिकन, चिकन की फिलिंग कर रहे हैं। अच्छा, चिकन में कौन सा मसाला आपने ऐड करा हुआ है इस पर? अच्छा, 7-8 किस्म के मसाले ऐड करे हैं चिकन में। अच्छा, ये कच्ची चिकन है ना, और ये स्टीम में पक जाएगी, जैसे कि ये जो इन्होंने पहले से इसकी डो तैयार करी है वो भी पकेगी, साथ में चिकन भी इसमें तैयार होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये चिकन की फिलिंग आ गई, अब इसको पैक कर देंगे। अच्छा, ये सिंपल चिकन के हैं, अगर आप इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहें, जैसे चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोमोज मिलते हैं, ये प्लेन हमने चिकन के लिए है, इसके अलावा चीज़ और दूसरे इंग्रेडिएंट्स वाले भी आपको मिल जाएंगे, वेजिटेबल भी हैं आपके पास, वेजिटेबल भी हैं। अच्छा, ये स्टीम ही होते हैं या फ्राई भी होते हैं? अच्छा, अगर आप स्टीम वाले लेना चाहें तो स्टीम वाले ले सकते हैं, उसके अलावा फ्राई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ इन्होंने इसको पैक कर दिया है। तो अब ये कहाँ पर जाएंगे? स्टीम होने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो जा रहे हैं ये फ्राई होने के लिए जा रहे हैं, और जो दूसरे मोमोज हैं वो जाएंगे स्टीम होने के लिए। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोमोज फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने में इसको कितना टाइम लगता है? फ्राई होने में तकरीबन 4 मिनट लगते हैं। अच्छा, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने के लिए। तो जैसे एक समोसे की लुक आती है उस टाइप का आएगा ये। ठीक है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनका स्टीम का पूरा ये यहाँ पर बर्तन मौजूद है। यहाँ पर कितने इसमें पोर्शन है जिसमें आप स्टीम कर लेते हैं? अच्छा, दो पोर्शन में यहाँ पर स्टीम होता है। तो खोल के दिखाएं इसको। वाह जबरदस्त, ये इसमें तैयार हो रहे हैं यहाँ के जबरदस्त मोमोज पूरे स्टीम के अंदर। तो ये कितनी देर लगती है इसको पकने में? 5 मिनट लगते हैं, जब पानी पूरा बॉइल होगा। अच्छा, अच्छा, पहले पूरा जो पानी है उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हैं, उसके बाद फिर जब मोमोज ऐड करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते, काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो चले हमारे लिए प्लेट तैयार करें और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे इसका जायका कैसा। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी ये प्लेट तैयार हो चुकी है, इसमें 5 मोमोज इन्होंने ऐड करे हैं और साथ में ये सॉस भी है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? 300 इसकी प्राइस है। अच्छा, जो इनकी लोकेशन है वो डेली मलिक और बम्बई कोयला कड़ाके बिल्कुल बीच में सेंटर पे है, बाबू बन कबाब जैसे आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे मिलेगी। तो उसका एड्रेस देके आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो चले अब इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताऊँगा इसका जायका कैसा। दोस्तों, ये हमारे जबरदस्त मोमोज गर्मा गर्म और मजा से स्टीम उड़ते हुए आ चुके हैं। इसके अंदर जो इन्होंने फिलिंग करी है वो चिकन की करी है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताऊंगा इसका जायका कैसा है। अच्छा, जो इन्होंने इसके साथ सॉस दी है वो काफ़ी जबरदस्त लग रही है, स्पाइसी। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं इसका जायका कैसा है। तो सॉस में डिप करके बिस्मिल्लाह पानी लें। मज़ेदार है, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, हो सकता है उनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो, उनको समझ में नहीं आए, लेकिन जब बार बार आपको खाएंगे फिर आपको इसे टेस्ट का पता चलेगा इसे टेस्ट वाकई में कैसा है। जो इसकी डो है वो अच्छी तरह से पकी हुई है और काफ़ी सॉफ्ट सी है, और जिसके अंदर चिकन है वो भी जैसा कि उन्होंने बताया सिर्फ 5 मिनट के अंदर अच्छी तरह से उसके अंदर स्टीम के अंदर ही पक चुकी है। तो पकने के बाद
बहुत अच्छा सा चिकन का फ्लेवर भी है और साथ में ये डो भी काफी मजेदार सी है। साथ में जब आप इसको इनके सॉस में डिप करके खाएंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे ये जबरदस्त मोमो मुझे बहुत अच्छे लगे, अगर आप यहाँ पर आके इसको ट्राई करना चाहें तो आप जरूर करिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो फिर इसके साथ ही आज के व्लॉग एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।